हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करने वाले हैं हम जेन ऑस्टिन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो 1813 में आई थी। ये इनकी फर्स्ट रिटन नॉवल थी, बट सेकंड पब्लिश नॉवल थी। इससे पहले इनकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश हुई थी, जो 1811 में आई थी। और प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो ओरिजिनल एंटाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। इसको लिखा गया था अक्टूबर 1796 और अगस्त 1797 के बीच में इसको लिखा गया था। और इसको जो है एक बुक सेलर को, थॉमस कैडल जो बुक सेलर थे, उनके पास भेजा था इनके पिता ने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट की, क्या वो इसे छापना चाहते हैं। लेकिन इसको रिटर्न कर दिया गया था, जिसकी वजह से पहले छप नहीं पाई, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, पब्लिश किया गया। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। तो ये जो स्टोरी है बेनेट फैमिली की है, जिसमें क्या है, पांच कुंवारी बेटी हैं जिनकी माँ मिसिस बेनेट जो है उनके लिए क्या ढूंढना चाहती है, हस्बैंड ढूंढना चाहती है। सो ए प्रिम्बरेली, बी लॉन्गबर्न, सी रॉजिंग्स एंड डी लंडन। सो राइट आंसर इज बी लॉन्गबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर बिंगली व्हेन ही अटेंड द बॉल इन मेल्टन सीम टू बी क्वाइट टेकन विद। सो मिस्टर बिंगली जो थे उन्होंने क्या अटेंड कर रहे थे, बॉल अटेंड कर रहे थे मेरिटन में। तो पहले क्या किया जाता था, बॉल ऑर्गेनाइज किए जाते थे जहाँ पर सारे लड़के लड़की आते थे और वो एक दूसरे को एज अ हस्बैंड या वाइफ के लिए चूज़ करते थे। सो मिस्टर बिंगली काफ़ी रिच मैन थे, तो वो वहाँ पर आए, बॉल अटेंड किया, और वहाँ पर आकर वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ए एलिजाबेथ, बी जेन, सी लिडिया, एंडी चार्लेट ल्यूकस। सो राइट आंसर इज़ बी जेन। जेन जो थी मिसिस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी तरफ किसका अट्रैक्शन हुआ, मिस्टर बिंगली का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बॉल। मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ को जो फर्स्ट बॉल था उसमें कैसे ऑफेंड किया, मतलब मिस्टर डार्सी कौन थे। सबसे पहले तो मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगली के क्या थे, फ्रेंड थे। तो एलिजाबेथ कौन थी, जेन, जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसकी छोटी बहन जो थी वो कौन थी, एलिजाबेथ थी, दूसरे नंबर की बेटी। सो ए इंसल्ट हर फादर, बी ही डांसेज विद जेन, ही स्लैप्स हर, ही रिफ्यूज टू डांस विद हर। सो राइट आंसर इज़ डी, ही रिफ्यूजेज टू डांस विद हर। उन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया, जिसका एलिजाबेथ को क्या लगा, काफ़ी बुरा लगा, और उसके बाद उन्हें थोड़ा एरोगेंट भी समझा जाने लगा था इसी वजह से। नेक्स्ट, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड इज नी। तो एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम क्या था, मिसिस फिलिप्स, बी चार्लेट ल्यूकस, सी मिस बिंगली, एंड डी मिसिज गार्डिनर। सो राइट आंसर इज़ बी चार्लेट ल्यूकस। चार्लेट ल्यूकस कौन थी, एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी, जो मिसिज बेनेट की सेकेंड बेटी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डज मिस्टर कॉलिन मैरी। जो मिस्टर कॉलिन थे उन्होंने किससे शादी की, ए जेन, बी लिडिया, सी मिस बिंगली, एंड डी चार्लेट ल्यूकस। सो राइट आंसर इज़ डी चार्लेट ल्यूकस, जो कौन थी, एलिजाबेथ की फ्रेंड थी। तो मिस्टर कॉलिन ने जो है सबसे पहले जो बेनेट है उनकी डॉटर को प्रपोज किया था, कौन सी डॉटर को, एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ को प्रपोज किया था मिस्टर कॉलिन्स ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड थी चार्लेट ल्यूकस उसको प्रपोज किया और उसने हाँ कर दिया। बाद में मिस्टर कॉलिन ने क्या किया, चार्लेट ल्यूकस से शादी कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मिस बिंगली डिसलाइक एलिजाबेथ। मिस बिंगली कौन थी, मिस्टर बिंगली की सिस्टर थी। मिस्टर बिंगली वही हैं जो किसको पसंद करते हैं, जेन को पसंद करते हैं, सबसे बड़ी डॉटर थी उसको पसंद करते हैं। सो वो जो है उनकी सिस्टर मिस बिंगली वो एलिजाबेथ को क्यों ना पसंद करती थी, ए शी इज़ जेलस ऑफ डार्सी ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, बी एलिजाबेथ इंसल्टेड मिस बिंगली एट द बॉल, सी विकहम हैज टोल्ड मिस बिंगली लाइज अबाउट एलिजाबेथ कैरेक्टर, एंड डी डार्सी इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग इल ऑफ एलिजाबेथ। सो राइट आंसर इज़ ए, शी इज़ जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ। अब पहले तो मिस्टर डार्सी ने क्या किया, एलिजाबेथ को डांस करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में वो उसके कैरेक्टर की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्टेड होने लगे। उसकी वजह से जो सिस्टर थी उनकी मिस्टर बिंगली की, वो क्या होने लगी, एलिजाबेथ से थोड़ा जेलस फील करने लगी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेडी कैथरीन डी बर्ग इज डार्सीज। लेडी कैथरीन डी बर्ग डार्सी की क्या लगती थी, ए आंट, बी सिस्टर, सी मदर, डी फर्स्ट वाइफ। सो राइट आंसर इज ए आंट, वो उनकी आंट थी। नेक्स्ट इज, व्हेन डार्सी प्रपोजेज फॉर द फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ। जब डार्सी ने एलिजाबेथ को पहली बार शादी के प्रपोज किया तो एलिजाबेथ ने क्या किया, ए टेल हिम डेट शी इज एंगेज टू विकहम, बी ask him for more time, C turns him down and D faints. So right answer is C turns him down, उसने मना कर दिया। Next is, Darcy's estate is called, Darcy की जो estate थी उसको क्या कहा जाता था, A Rosings, B London, C
पेम्बर्ली एंड डी ब्रिंगटन. सो राइट आंसर इज सी पेम्बर्ली. वहाँ उनके एस्टेट को पेम्बर्ली नाम से जाना जाता था. एलिजाबेथ्स फीलिंग टुवर्ड डार्सी बिगेन टू चेंज वैन ही. सो एलिजाबेथ ने क्या किया था, पहले तो डार्सी को गलत समझा और उसे प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन उसकी फीलिंग जो थी मिस्टर डार्सी के लिए बदलने लगी. तो क्यों? सो ए ही सेंड्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शन, बी फाइट्स अ ड्यूएल विद विकम, सी सेंड्स मनी टू जेन एंड डी मैरिज मिस बिंगली. सो राइट आंसर इज ए सेंड्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शन. अपना एक लेटर भेजा और उसने ऐसा उसका बर्ताव ऐसा क्यों था उसके बारे में उसने जो है उस लेटर में लिखकर एलिजाबेथ को बताया. सो जो विकम था ये जो था इसने भी एलिजाबेथ को किसके खिलाफ भड़काया था, डार्सी के खिलाफ भड़काया था. नेक्स्ट इज व्हाट सोशली डिजास्टर्स रोमांटिक डिसीजन डज लिडिया मेक. सो लिडिया कौन थी, एलिजाबेथ और जेन की छोटी बहन थी, उसने क्या ऐसा डिसीजन लिया था जिससे उसकी लाइफ जो है बर्बाद होने को थी. सो ए शी लव विद विकम, बी सी मैरीज बिंगली, सी सी रिजेक्ट मिस्टर कॉलिन प्रपोजल एंड डी शी रन अवे टू फ्रांस विद अ लवर. सो राइट आंसर इज ए शी लव विद विकम, वो विकम के साथ क्या करे उसने भाग गई. सो जो लिडिया थी उसने जो अपना समर है वो ब्रिटेन में बिताया था टू बी नियर द मिलिटिया रेजिमेंट, वो वहाँ पर बिता रही थी और वहाँ पर वो किससे मिली, विकम जो है उससे मिलने जाया करता था, उसके बाद वो वहाँ से उसके साथ भाग गई. नाउ नेक्स्ट इज हु पेज ऑफ विकम कन्विंसिंग हिम टू मैरी लिडिया. तो लिडिया जो थी विकम के साथ भाग गई थी, तो और फिर ये चीज़ थी कि अब लिडिया से शादी कौन करेगा. जब वो वापस आए तो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आगे अब इनसे शादी कौन करेगा, तो कौन उसको पैसे देता है कि तुम भाई से शादी कर लो, ए बिंगली, बी डार्सी, सी मिस्टर गार्डिनर एंड डी मिस्टर कॉलिन. सो राइट आंसर इज ए डार्सी. तो डार्सी क्या करता है, विकम को पे ऑफ करता है, पैसे देता है ताकि वो किससे शादी कर ले, लिडिया से शादी कर ले. व्हाट डिड लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू. सो यहाँ पर डाइज लिख दिया है, यहाँ पर डिड आना था. सो जो लेडी कैथरीन थी जो डार्सी की क्या दी आंट थी, उन्होंने एलिजाबेथ को क्या करने से मना किया था, ए मैरी बिंगली, बी विजिट रोजिंग, सी मैरी डार्सी एंड डी सी विकम. सो राइट आंसर इज सी मैरी डार्सी, कि तुम डार्सी से शादी नहीं करोगी और उसे क्या कर दोगी, मना कर दोगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलिजाबेथ्स मोस्ट नोटेबल वर्च्यूज. उसमें सबसे अच्छी क्या अच्छाइयाँ थी उसके अंदर, एलिजाबेथ के अंदर, हे हर जनरोसिटी एंड सिंपैथिक हार्ट, बी हर इंटेलिजेंस एंड क्विक विट, सी हर क्यूरोसिटी एंड सेंस ऑफ स्टाइल एंड डी हर मैच्योरिटी एंड डिफरेंशियल डिस्पोजिशन. सो राइट आंसर इज बी हर इंटेलिजेंस एंड क्विक विट. वो बहुत ज़्यादा क्या थी, इंटेलिजेंट थी और मतलब हर प्रॉब्लम का समाधान एकदम से कर लेती थी. और इस नॉवल में जो है वो अपने कौन से कैरेक्टर से बाहर आई है, सो हर टेंडेंसी टू मेक जजमेंट टू क्विकली, कि वो किसी को भी देखकर क्या कर लेती थी, जज करती थी और उसके बारे में अपनी एक इमेज तैयार कर लेती थी. लेकिन डार्सी के टाइम में क्या हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ, वो उसको बहुत एरोगेंट समझती थी, लेकिन बाद में जब उसने लेटर में एक्सप्लेन किया कि उसका एक्शन ऐसे क्यों है, तो उसकी सोच क्या हुई, डार्सी के लिए बदली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What trait does Darcy have to get over to be with Elizabeth? तो एलिजाबेथ के साथ होने के लिए डार्सी ने अपने अंदर क्या बदलाव किए, हे हिज इन्फ्लेट सेंस ऑफ प्राइड, बी हिज शोई एक्ट ऑफ चैरिटी, सी हिज हैबिट ऑफ ट्रीटिंग वुमेन एज इन्फीरियर एंड डी हिज ईगरनेस टू फ्लर्ट विद अदर वुमेन. सो राइट आंसर इज ए हिज इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ प्राइड. उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा घमंड था, तो उस चीज़ को उसने क्या किया, अपने अंदर से निकाला ताकि वो किसके साथ हो सके, एलिजाबेथ के साथ हो सके. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which two Bennet sister are most charmed by the soldier? कौन सी दो Bennet sister थी जो बहुत ज़्यादा soldiers की तरफ attracted थी, उनसे शादी करना चाहती थी, A. Elizabeth and Jane, B. Charlotte and Mary, C. Lydia and Catherine and D. Mary and Elizabeth. So right answer is C. Lydia and Catherine. Next is Why does Charlotte accept Mr. Collins' proposal? तो चार्लेट कौन थी, एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी जिसने मिस्टर कॉलिन से शादी कर ली थी, तो उसने उनसे शादी करने का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था, ए शी इज़ इन लव, बी शी वॉन्ट्स रिवेंज, सी शी नोज इट मेक फाइनेंशियल सेंस एंड डी नॉट मैंशन. सो राइट आंसर इज सी शी नोज इट मेक फाइनेंशियल सेंस. तो उसे पता था कि फाइनेंशियली इनसे शादी करना ठीक रहेगा और इसमें समझदारी है, तो इसीलिए उसने जो था कॉलिंस का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हिंडर रोमांटिक लव इन द नॉवल. सो इसमें जो रोमांटिक लव है इस नॉवल में दिखाया गया है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम जो है लव के दौरान आती है, ए रिग्ड जेंडर रोल्स, बी रिलीजियस कन्वेंशन, सी ईच इंडिविजुअल्स डाउट एंड डी सोशल
कन्वेंशंस एंड कंसर्न फॉर अपीयरेंस. सो राइट आंसर इज़ डी, सोशल कन्वेंशन एंड कंसर्न फॉर अपीयरेंस. मतलब उस टाइम जो सोसाइटी में जो कस्टम थे, रूल थे, उन सबको ध्यान में रखना पड़ता था. नेक्स्ट इज इन द सोसाइटी पोर्ट्रेड इन द नॉवल व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ वुमन. तो इस नॉवल में जिस तरह की सोसाइटी दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग औरत के लिए क्या ज़रूरी था. ए हर ब्यूटी, बी हर जेनरोसिटी, सी हर पेशेंस एंड डी हर रेपुटेशन. सो राइट आंसर इज़ डी, हर रेपुटेशन. और रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि जब लिडिया किसके साथ, विकिम के साथ भाग गई, तो सवाल उठा कि अब उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा अगर विकिम ने उससे शादी नहीं की. और इसी के चलते डार्सी जो है विकिम को क्या करता है, पैसे देता है ताकि वो किससे शादी कर ले, लिडिया से शादी कर ले. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एस्टेट वेयर मिस्टर बिंगली लिव्स. जहाँ पर मिस्टर बिंगली रहते थे, जो जेन की तरफ अट्रैक्टेड थे, या जेन जिनसे लास्ट में नॉवल एंड होने पर जेन उनसे शादी करती है, सो वो कहाँ पर रहते थे. ए नीदरफील्ड पार्क, बी मैंसफील्ड पार्क, सी लॉन्गबर्न मैनर एंड डी पेम्बरली. सो राइट आंसर इज ए नीदरफील्ड पार्क. नेक्स्ट व्हेन जेन एक्सेप्ट एन इन्विटेशन टू विजिट द बिंगलीज हाउ डज शी ट्रैवल. तो उसे इनविटेशन मिलता है कहाँ पर बिंगली से मिलने जाने का, तो वो कैसे ट्रैवल करती है. ए ऑन फुट, बी ऑन अ हॉर्स, सी बाय ट्रेन एंड डी बाय कोच. सो राइट आंसर इज़ बी, ऑन अ हॉर्स. हॉर्स पर जाती है और वो भीग जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है. और फिर जो एलिजाबेथ है वो चलकर जाती है, ऑन अ फुट जाती है, किससे मिलने के लिए, जेन से मिलने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज In Darcy's letter to Elizabeth after she reject him, who is it revealed that Wickham once tried to elope with? तो Darcy जब अपना letter लिखता है Elizabeth को, बताता है कि उसके action का कारण क्या था, तो उसमें वो बताता है कि Wickham ने किसी और के साथ भी भागने की कोशिश की थी. तो वो कौन थी. A. Georgina, B. Andy Burke, C. Jane and D. Miss King. So right answer is A. Georgina. Georgina कौन थी, Darcy की बहन थी, और उसने जॉर्जिनिया के साथ ही भागने की कोशिश की थी ताकि वो उससे क्या कर ले, शादी कर ले, और जो उसकी जायदाद है उसमें क्या मिल जाए, उसे हिस्सा मिल जाए. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज लेडी कैथरीन डी बर्ग वॉन्ट डार्सी टू मैरी. तो लेडी कैथरीन जो आंट थी किसकी, डार्सी की, उसने एलिजाबेथ को मना कर दिया था शादी करने के लिए कि तुम मना कर देना. तो असल में वो किससे चाहती थी कि डार्सी शादी करे. ए मिस बिंगली, बी जेन बैनेट, सी एन डी बर्ग एंड डी एलिजाबेथ बैनेट. सो राइट आंसर इज सी एन डी बर्ग. सो दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.